Assalamu alaikum, welcoming you all to your very own YouTube channel that is English Lounge. तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कोर्स एनालिसिस के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पोलाइटनेस एंड जेंडर को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, जो हमारी वीडियो का बुनियादी रैशनल होगा कि पोलाइटनेस अक्रॉस जेंडर इस फिनोमेना को स्टडी किया जाए और एवेलुएट किया जाए और इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईजी तरीके से आप तक कन्वे किया जाए. पोलाइटनेस वेरीज अकॉर्डिंग टू जेंडर. तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो पोलाइटनेस का कॉन्सेप्ट है, ये कोई फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है. पोलाइटनेस जेंडर टू जेंडर वेरी करती है, यानी मेल जेंडर के लिए पोलाइटनेस का एलिमेंट और होगा, फीमेल जेंडर के लिए पोलाइटनेस का एलिमेंट कुछ और होगा. आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने यही देखना है कि जो पोलाइटनेस है वो मेल ओरिएंटेड ज़्यादा होती है या फीमेल ओरिएंटेड ज़्यादा होती है, यानी मेल जेंडर पोलाइटनेस ज़्यादा एग्जिबिट कर सकता है या फीमेल जेंडर पोलाइटनेस ज़्यादा एग्जिबिट कर सकती है. अगर कोई एक जेंडर पोलाइटनेस ज़्यादा एग्जिबिट करता है तो उसका मकसद और उसकी बैकग्राउंड आइडियोलॉजी क्या है. होम्स इन 1995 डिस्कस डिफरेंस इन द यूज ऑफ पोलाइटनेस स्ट्रेटजीज बिटवीन मैन एंड वेमेन. अब 1995 के अंदर एक स्टडी की होम्स ने, जिसके अंदर उसने जो पोलाइटनेस स्ट्रेटजीज का डिफरेंस था मैन और वेमेन का, उसके बारे में एवेल्युएशन करने की कोशिश की और अपना रिसर्च वर्क लिखा. हर रिसर्च शोज दैट वेमेन आर मोर पोलाइट देन मैन. उसने थरोली रिसर्च की और जो उसकी रिसर्च थी उसके अंदर उसने एक चीज़ शो की या एवेलुएट की, जो वेमेन हैं वो ज़्यादा पोलाइट होती हैं अपने बिहेवियर में देन मैन. मैन जो होते हैं वो लेस पोलाइट होते हैं देन वेमेन. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वट वी मेंट बाय पोलाइट एज वेल एज विच वेमेन एंड मैन आर बींग कंपेयर्ड एंड वट इज़ द सेटिंग ऑफ इंटरेक्शन. अब उसने ये तो डिड्यूस कर दिया कि जो वेमेन होती हैं वो ज़्यादा पोलाइट होती हैं देन मैन, लेकिन ये कुछ शराइत पर डिपेंड करता है, कुछ कंडीशंस पर डिपेंड करता है. नंबर वन कंडीशन ये है कि पोलाइटनेस का मतलब क्या है, और नंबर सेकंड कंडीशन ये है कि कौन से वेमेन और मैन जो हैं उन्हें कंपेयर किया जा रहा है, और नंबर थर्ड जो बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि जो इंटरेक्शन हो रहा है जिसके बेस के ऊपर हम ये डिड्यूस कर रहे हैं, ये एवेल्युएट कर रहे हैं, ये फाइनलाइज कर रहे हैं कि जो फीमेल जेंडर है वो ज़्यादा पोलाइट है, उसकी सेटिंग क्या है, यानी सेटिंग ऑफ इंटरेक्शन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. अब मिल्स इन हर बुक Gender and politeness emphasizes the role of context whether which the speech is polite or not. अब मिल्स ने अपनी एक बुक जेंडर एंड पोलाइटनेस के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस की, वो था रोल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी कॉन्टेक्स्ट का क्या रोल है किसी भी स्पीच को पोलाइट बनाने में या इम्पोलाइट बनाने में, यानी जो बैकग्राउंड आइडियोलॉजी है, जो बैकग्राउंड फिनोमेना है, कोई बात किस कॉन्टेक्स्ट में किस पैराए में कही जा रही है, उसको स्टडी किया था मिल्स ने जेंडर एंड पोलाइटनेस के अंदर. शी गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रीट रिमार्क्स. अब उसने जो स्ट्रीट रिमार्क्स थे, जो आम रेगुलर लैंग्वेज के अंदर बोले जाने वाले रिमार्क्स थे, उनकी एग्जाम्पल दी ताकि हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए. लेट सपोज इफ समवन सेज हेलो गॉर्जियस टू अ लॉन्ग टाइम फ्रेंड, दिस कैन बी सीन एज अ सिंबल ऑफ इंटीमेसी एंड रैपर्ड एंड दैट इज अ पॉजिटिव पोलाइटनेस. इसके एग्जाम्पल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कुछ दोस्त जो कि लंबे अरसे बाद एक दूसरे से मिलते हैं और फ्रेंड ए फ्रेंड बी को कहता है कि हेलो गॉर्जियस, तो जो फ्रेंड बी है वो फ्रेंड ए के जो रिमार्क्स हैं उन्हें सिंबल ऑफ एंटीमेसी, सिंबल ऑफ रैपर्ड, सिंबल ऑफ क्लोजनेस के तौर पर कहेगा, तो हम कहेंगे कि जो पहला स्पीकर है उसने पॉजिटिव पोलाइटनेस या इन्वॉल्वमेंट के मैकेनिज्म को एग्जिबिट किया है. However, what if someone calls this out to an unknown girl walking on street? लेकिन अगर यही remarks किसी unknown girl को कहे जाएं कि जो किसी गली में या street में walk करते हुए जा रही है randomly, तो ये remarks जो हैं ये sexual harassment के ज़ुमरे में आएंगे. तो इसके अंदर हम context के जो कॉन्सेप्ट है उसे समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज़ किस context में बोली जा रही है. एक चीज़
जो इस कॉन्टेक्स्ट में बोली जा रही है कि जो दो दोस्त हैं काफी अरसे बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन एक चीज इस कॉन्टेक्स्ट में बोली जा रही है कि एक अननोन खातून है, उनको आप ये रिमार्क्स पास कर रहे हैं, तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आएगा। वी नीड टू कंसिडर हु इज सेइंग व्हाट टू होम फॉर व्हाट पोजिशन वेयर एंड फॉर व्हाट पर्पज इन ऑर्डर टू कम टू अ क्लोजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। यानी कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है अगर हम किसी क्लोजर अंडरस्टैंडिंग पर आना चाहते हैं कि वेदर सेट स्पीच इज पोलाइट और इम्पोलाइट। अब क्रिस्टी ने क्या किया था, अभी डिस्कशन को मजीद बढ़ाते हैं। क्रिस्टी ने क्या किया था कि जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स थी उनको उसने एवेलुएट किया था, उन पे उसने रिसर्च की थी। उसकी वजह ये थी कि वो पोलाइटनेस और जेंडर के कॉन्सेप्ट को स्टडी करना चाहती थी। जितनी भी पॉलिटिकल डिबेट्स हो रही थी यूके की पार्लियामेंट के अंदर, उसने क्या किया था कि उसके अंदर जो फीमेल जेंडर की स्पीचेस थी उसे भी एवेलुएट किया और मेल जेंडर की जो स्पीचेस थी उन्हें भी एवेलुएट किया, और उसके बाद उसने कुछ डिड्यूस किया जिसको हम डिस्कस करेंगे। क्रिस्टी आर्ग्यूज दैट वाइल देयर आर मैनी इंस्टेंसेज ऑफ मैन एंड वीमेन पब्लिकली क्रिटिसाइजिंग ईच अदर इन पार्लियामेंट्री डिबेट्स। अब क्रिस्टी ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि बहुत सारी ऐसी इंस्टेंसेस हैं, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जिसके अंदर जो मैन और वुमेन एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए ब्रूटल लैंग्वेजेस, ब्रूटल डिस्कोर्स का यूज कर रहे हैं, बट दीज आर नॉट सो मच इंस्टेंसेस ऑफ जेंडर स्पेसिफिक इम्पोलाइटनेस बट रादर पोलिटिकल वर्बल बिहेवियर। अब इसके अंदर उसने ये चीज़ इवेलुएट की जिसे उसने डिस्कस किया कि कोई जेंडर स्पेसिफिक इम्पोलाइटनेस नहीं थी, उसने मेल्स के अंदर भी इम्पोलाइटनेस देखी, उसने फीमेल्स के अंदर भी इम्पोलाइटनेस देखी, उसने मेल्स के अंदर भी पोलाइटनेस के कॉन्सेप्ट को देखा, सिमिलरली उसने फीमेल्स में भी पोलाइटनेस के कॉन्सेप्ट को देखा। जो पार्लियामेंट के अंदर हो रहा था, जो क्रिटिसाइज एक दूसरे को किया जा रहा था, उसे उसने पोलिटिकल वर्बल बिहेवियर कहा। तो उसने ये कहा कि ये जो पोलाइटनेस है, इम्पोलाइटनेस का कॉन्सेप्ट है, ये कोई जेंडर ओरिएंटेड नहीं है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि मेल जेंडर लेस पोलाइट है या फीमेल जेंडर ज़्यादा पोलाइट है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप इस डेजिग्नेटेड व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या इस ईमेल एड्रेस पर भी आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।